हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताइवान के बारे में, तो बने रहिए ना अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य पूर्वी एशिया का एक खूबसूरत देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किलोमीटर है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और इस देश का सबसे बड़ा शहर न्यू ताइपे है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और साथ वाले घंटे को भी बजा दीजिएगा। इस देश की आधिकारिक मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है और मैंड्रिन और हक्का ताइवान की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ताइवान की जीवन शैली बेहद शांत व निर्मल स्वभाव की है। इस देश में बड़ों का आदर व गरीबों की सहायता संबंधित ज्ञान को जीवन में तवज्जो दी जाती है। ताइवान एक छोटा सा द्वीप देश है जिसमें लगभग 23 मिलियन लोग रहते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट यार। इस द्वीप के आकार का अंदाजा मात्र इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरे द्वीप के चारों ओर व्हीकल ड्राइव करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। ताइवान की कुल जनसंख्या के लगभग 80% लोग मूल निवासी हैं, वो 15% लोग चीन से यहाँ आकर बस गए और 5% अन्य देशों से आए लोग हैं। वहीं 5% आबादी अन्य देशों से आकर बसे लोगों की है। ताइवान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो इन लोगों को प्रकृति से बेहद लगाव होता है। ताइवान रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है, जिस छोटे द्वीप को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप गतिविधियों वाले स्थानों में से एक बनाता है। यहाँ साल में 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते हैं। यहाँ के लोग साफ सफाई के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ये लोग अपने घरों के कचरों को तब तक अपने घरों में ही रखते हैं जब तक कचरा उठाने वाली गाड़ी इनके घरों से कचरा लेकर नहीं चली जाती। यहाँ के लोगों को संगीत बेहद पसंद है। ये लोग संगीत वाद्य यंत्र बजाने से लेकर सुरीले गीत गाने संबंधित गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इस देश में आपको अस्पताल और होटल जैसी इमारतों में चौथी मंजिल नहीं मिलेगी। ताइवान की अर्थव्यवस्था छोटे बड़े उद्यमों पर टिकी हुई है, और जिसमें सरकारी अधिकारी, किसान, छोटे व्यवसाय के मालिक और कारीगर शामिल हैं। ताइवान की लड़कियों को गोरी त्वचा बहुत पसंद होती है। यही कारण है कि इस देश में आपको लगभग सभी महिलाएं धूप से बचने के लिए मास्क का उपयोग करते दिख जाएंगे। ताइवान वासी अपने घर आने वाले मेहमानों के साथ बेहद उच्च कोटि का बर्ताव करते हैं। ये लोग अपने मेहमान की इच्छा अनुसार अव्वल दर्जे के पकवान अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताइवान में महान आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण हुआ, जिस कारण इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक मजबूती आई व इस देश के लोगों का आर्थिक विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देश एक लोकतांत्रिक सरकार व संविधान की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन कुछ अंदरूनी ताकतों के कारण इसमें सफल न हो सका। ताइवान का झंडा सन यात सेन और लू हाओ तुंग ने डिजाइन किया था। हालांकि ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करता है, लेकिन कई देश आधिकारिक तौर पर इसे एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को चीन का एक अलग प्रांत मानता है, और जो देश चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें ताइवान के साथ अपने औपचारिक संबंधों को चीन के अनुसार ही बदलना पड़ता है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान दुनिया के 156 देशों में 35वां सबसे खुशहाल देश है। यह हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन की तुलना में अधिक खुशहाल देश माना जाता है। ताइवान के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि यह इलाका 10,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के दौरान चीन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन समय के साथ ये एक समुद्र में बसा द्वीप भौगोलिक क्षेत्र बन गया। तो ये थे ताइवान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाएं, तो कमेंट में लिखिए ना पार्ट 2। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।